हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस समय यहाँ पे टाइम हो रहा है इवनिंग के, भाई यहाँ पे अभी 7 बज रहे हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पब्लिक में आप ब्लॉग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ब्लॉग से भाई काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया आप पब्लिक में कैसे ब्लॉग कर लेते हो, पब्लिक में कैसे बोलते हो, क्या है क्या नहीं, वो सारा आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं फटाफट अपने घर से बाहर आ चुका हूँ, और भाई अभी आप लोगों को यहाँ पे पीछे का नज़ारा कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। ये मेन मार्केट है भाई, ये मेन मार्केट है जिसमें अभी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और जो आज का ब्लॉग है, अगर आप भी भाई नए यूट्यूबर हो या ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो, तो भाई आपके लिए ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। क्योंकि भाई इस वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि पब्लिक में आप कैसे मतलब बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आ सकता है, वो पूरा आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। क्योंकि भाई जिस टाइम मैंने यहाँ पे अपनी ब्लॉगिंग चैनल ये स्टार्ट किया था, तो मेरे को भी खैर काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आती थी कि भाई पब्लिक में मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलना है कैमरे के सामने, मतलब आके मतलब कुछ भी बिल्कुल पूरा का पूरा दिमाग भाई हैंग हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि भाई क्या बोलना है कैमरे के सामने। तो आज की वीडियो भाई इसी टॉपिक पर रहने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो यार ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाई अभी जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं मेन ये GMS रोड पर अभी चल रहा हूँ, और पूरा का पूरा इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई हाउ टू ब्लॉग इन पब्लिक, पब्लिक में आप ब्लॉग कैसे कर सकते हैं ईजिली, वो भी क्योंकि मैं आपको कुछ यहाँ पर टिप्स देने वाला हूँ कि आप अच्छे तरीके से मतलब कॉन्फिडेंटली पब्लिक में आप बोल सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि भाई पब्लिक में बोल नहीं पाते हैं, कि भाई वो सोचते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार से बोलना है, क्या है क्या नहीं, पूरी इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरे का पूरा। तो अभी भाई मैं मेन मार्केट में पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। क्योंकि भाई जैसे मैंने आपको बताया, इस वाले ब्लॉग का टाइटल यह है कि हाउ टू ब्लॉग इन पब्लिक, तो भाई उसके लिए तो यहाँ पर पब्लिक चाहिए। तो अभी सबसे पहले मेन पब्लिक में चलते हैं, वहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाऊँगा कि भाई पब्लिक में कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से आपको कैमरा उठाना है, वो सब कुछ मैं आपको पूरा का पूरा इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो अभी भाई मैं यहाँ पे बल्लूपुर की तरफ जा रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से भाई आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई जैसा अभी यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे भैया लोग गए, बट मेरे को भाई अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई लोग क्या कहेंगे मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा कुछ है। तो इसी के साथ में अभी सबसे पहले मार्केट में चलते हैं, जहाँ पर खूब ज़्यादा पब्लिक हो, और उसके बाद में आप लोग को मिलते हैं। और फाइनली दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई मेन मार्केट में, जहां पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आप सामने भी यहां पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का भाई आप लोगों को नज़ारा इवनिंग के टाइम का देखने के लिए मिल रहा होगा, काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई यहां पे ये नज़ारा। तो भाई अभी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था कि भाई पब्लिक में ब्लॉग कैसे करें, हाउ टू ब्लॉग इन पब्लिक। उसके लिए सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप अच्छे तरीके से यहाँ पर पब्लिक में ब्लॉग कर सकते हैं। तो टिप नंबर वन है भाई, आप अपना व्हाट्सअप पर वीडियो कॉल करना शुरू कर दो। क्योंकि आप जब व्हाट्सअप पर वीडियो कॉल करना शुरू कर देंगे, तो भाई आपका मतलब धीरे धीरे जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, जो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट होने लग जाएगा। क्योंकि भाई व्हाट्सएप से इस प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप भाई अच्छे तरीके से यहाँ पे वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आप अपने फ्रेंड के साथ में जैसे वीडियो कॉल करेंगे, तो भाई थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई पब्लिक में जैसे ब्लॉग करें, तो भाई किस प्रकार से बोलना है, क्या है क्या नहीं, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर मतलब वीडियो कॉल करिए। और वीडियो कॉल करने के बाद में आपको अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड से बात कीजिए, जैसे कि आप लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं अपने फ्रेंड से। तो मतलब कैमरे को मतलब यार अपना एक दोस्त मानिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आप समझते हो कि भाई मेरे को डर लग रहा है, ये एक तरीके से भाई डिवाइस है, भाई आपको खा नहीं जाएगी। अच्छे तरीके से अपने दोस्तों से बात कीजिए, किसी भी दोस्त को मतलब व्हाट्सएप पर कॉल लगा लीजिए, वीडियो कॉल, और उसके बाद में आप अच्छे तरीके से उससे बात कीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, वो भाई बूस्ट होने लग जाएगा। तो ऐसा कुछ है। तो मैं भी खैर जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे मतलब, अब तो खैर मेरे को खैर रेगुलर बेस में मैं ब्लॉग अपलोड करता ही रहता हूँ, और मतलब भाई अब मेरे को मतलब बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक में मैं जाता हूँ कि भाई डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी चक्कर से आज मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी प्रॉपर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ कि भाई अच्छे तरीके से हाउ टू ब्लॉग इन पब्लिक, पब्लिक में आप कैसे ब्लॉग कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो ये भाई मेरी जो टिप नंबर वन थी, वो मैंने आप लोगों के साथ में अच्छे तरीके से शेयर कर दी है, क्योंकि मैं भी भाई फर्स्ट टाइम ऐसे ही किया करता था। और भाई सेकंड टिप जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ, वो है भाई कुछ मत सोचो। भाई दूसरी चीज़ तो यही है भाई, कुछ मत सोचो, सीधा कैमरा उठाओ और भाई अच्छे तरीके से मार्केट में निकल जाओ, बोलने की शुरुआत करो भाई। क्योंकि आप ऐसा सोचते रहेंगे कि भाई मैं ब्लॉग करूँगा और मैं बोलूँगा, भाई लोग क्या कहेंगे, क्या है क्या नहीं, तो भाई इससे क्या होगा, आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे भाई।
सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अपना मोबाइल उठाओ, कैमरा खोलो और पब्लिक में जाओ। पब्लिक में जब आप जाओगे तो भाई आपको अच्छे तरीके से काफ़ी लोग देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और इधर भी सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो भाई मेरे को खैर कोई भी बिल्कुल भी मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग मेरे को देख रहे हैं या मेरे को ऊपर हंस रहे हैं, तो बिल्कुल भी भाई मैं तो अपना मस्त तरीके से ब्लॉग करता हुआ चल रहा हूँ जैसे कि आप लोग मेरे को देख रहे हैं। तो भाई दूसरी टिप मैं जो आप लोगों से कह रहा हूँ वो ये है कि कैमरा उठाओ और भाई पब्लिक में चले जाओ, क्योंकि देखो लोगों का काम है कहना, लोग तो आपको कहेंगे ही, लोग कहेंगे कि भाई पब्लिक में ब्लॉग मत करो, कुछ शूट मत करो, तो ऐसा कुछ है तो अपना सीधा कैमरा उठाओ और बोलने की प्रैक्टिस करो भाई धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट नहीं होएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है भाई स्किल्स अपनी पूरी की पूरी बूस्ट करने में। तो ऐसा कुछ है, जो मेरी सेकंड टिप थी वो भाई यही थी, अच्छे तरीके से आप बोलो, रोज़ बोलो, जैसे लोग बोलते हैं भाई शीशे के सामने प्रैक्टिस करो या रोज़ के रोज़ अपने मतलब न्यूज़पेपर पढ़ो, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप अपना भाई कैमरा उठाएंगे नहीं तब तक आपका भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा नहीं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कैमरा उठाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप उसके बाद में यहाँ पे इजीली अच्छे तरीके से पब्लिक में स्पीक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं भी ये ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रहा था तो मैं भी मेरे सामने भी भाई काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आई हैं, बट भाई मैंने कुछ नहीं देखा अच्छे तरीके से। रोज़ भाई मैं प्रैक्टिस करता था मार्केट में जा जाके, भले मैं थोड़ा ही बोलता था बट भाई बोलता था। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि भाई मैं डर के मतलब मैं घर में बैठ जाता था कि लोग क्या कहेंगे इस चक्कर से, तो ऐसा कुछ है। तो अभी भाई फटाफट यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे मैं आप लोगों से जो तीसरी मेरी टिप है वो आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ वाली टिप। तो अभी सबसे पहले आगे चलते हैं। 20 minutes later. और भाई बोलते बोलते मेरा गला सूख गया है, तो इस चक्कर से भाई सबसे पहले यहाँ पे एक आइसक्रीम खाता हूँ, उसके बाद में भाई आप लोगों से मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी प्यारा सा बच्चा है ये जो कि मेरे को आइसक्रीम खिला रहा है यहाँ पे। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आज का जो हमारा पूरा पूरा ब्लॉग है भाई वो है हाउ टू ब्लॉग इन पब्लिक। तो भाई पब्लिक में मैं इतनी देर से आप लोगों के सामने चिल्ला रहा हूँ, तो भाई काफ़ी गला भी मतलब दर्द हो गया है, तो उसके चक्कर से भाई अभी मैं यहाँ पे आइसक्रीम खाता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को मिलता हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि भाई पब्लिक में बोलने के लिए आपको और क्या क्या स्किल्स आप लोगों को चाहिए, किस प्रकार से आपको बोलना है, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ। और भाई अभी यहाँ पे आइसक्रीम भी ले ली है मैंने, और अब चलते हैं भाई आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि टिप नंबर 3 क्या है, 4 क्या है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। और साथ साथ में भाई आइसक्रीम के भी मैं मज़े लेता हुआ जा रहा हूँ। तो भाई एक चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला ये हूँ कि भाई सबसे पहले तो अपने दिमाग में भाई ये बिठा लो कि आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉग करना है भाई, क्योंकि आप होता क्या है कि आप लोग ना सोच लेते हो कि भाई आपको ब्लॉग करना है, और उसके बाद में क्या करते हो, डर के मारे भाई आप बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठाते और डरने लग जाते हो कि भाई पब्लिक क्या कहेगी। भाई पब्लिक का काम है भाई कहना, पब्लिक तो कहेगी। जब फर्स्ट टाइम मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था तो भाई मेरे को भी काफ़ी डर लगता था कि भाई लोग क्या कहेंगे, क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ था। और भाई अब आप लोगों के साथ में मैं टिप नंबर 3 शेयर करने वाला हूं कि भाई मतलब जो आपको मदद करेगी कि पब्लिक में आप कैसे बोल सकते हैं, वो है भाई अपनी फैमिली के साथ में कैमरा उठाओ, वीडियो कॉल करो, उनके साथ में बोलो, चाहे आपकी वो फैमिली हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हो, उनके साथ में आप वीडियो कॉल करो और रोज़ की रोज़ बोलो भाई, रोज़ की रोज़ थोड़ा ही बोलो, कुछ भी बोलो, उससे होगा ये कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यही आपको जब रोज़ की रोज़ करने लग जाओगे तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आदत हो जाएगी, और जब आप अच्छे तरीके से यहाँ पे फैमिलियर हो जाते हो तो अच्छे तरीके से आप पब्लिक में ब्लॉग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है भाई, अभी मैं आपको सामने दिखा देता हूँ भाई कितने ज़्यादा लोग हैं भाई यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आप सामने भी देख सकते हैं भाई कितने ज़्यादा लोग अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ है, और इस तरफ भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई मेरे को ऐसा है ना, अब मेरी इतनी साल की मेहनत है, मेरी 2 साल की ये मेहनत है, तो भाई अब मेरे को बिल्कुल भी मतलब डर नहीं लग रहा, मतलब क्योंकि अब मेरे को टाइम हो गया भाई यहाँ पे 2 साल हो गए हैं कि अब मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे पब्लिक में बोल लेता हूँ, ऐसा कुछ है। और अभी यहाँ पे देख भी सकते हैं ये छोटा सा बच्चा कैसा लग रहा है, कोई बोलना चाहोगे? अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हैं भाई स्टूडेंट हो आप ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9 में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? सॉरी कौन से स्कूल में हो? अच्छा
तो अभी मैं तो सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे छोटू से जान लूंगा कि भाई मतलब पब्लिक में ब्लॉग करना मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है या कठिन है या मतलब थोड़ा सा डर लगता है। तो छोटू मेरी पब्लिक को ये बताओ कि पब्लिक में ब्लॉग करना जैसे मैं करता हुआ चल रहा हूँ वो आसान है या थोड़ा मुश्किल है? डिफिकल्ट है ना? क्यों डिफिकल्ट है? इधर आ जाओ थोड़ा और बताना। लो आप थोड़ा सा बताओ तो एक्सप्लेन कर दोगे ना? एक्सप्लेन कर दोगे थोड़ा सा? हाँ तो एक मिनट मैं इस वाले ये क्या नाम बताया आपने लक्की सिंह से अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई पब्लिक में ब्लॉग करना आसान है या नहीं है। तो ये भी अपनी राय रखने वाले हैं। तो भाई मैं इनसे ही पूछता हूँ कि मतलब थोड़ा सा पब्लिक में जैसा रहता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपको डर लग रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी इनसे एक बार पूछते हैं। तो लक्की जी आप बताएं कि मतलब थोड़ा कैसा लगता है? जी जी मतलब लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, लगता है ना थोड़ा डर लगता है ना? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई ये पागल है, भाई मतलब पागलों की तरह मतलब मार्केट में क्या बोल रहा है भाई, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुछ है और कुछ कहना चाहेंगे? वेलकम वेलकम। तो मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्की भाई मेरे को मिला था और काफ़ी अच्छा मतलब कूल है भाई, काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्टूडेंट है, ये 9th क्लास में पढ़ते हैं और स्नेहा धूल में यहाँ पे ये पढ़ते हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा भी ये मेरे को मार्केट में यहाँ पे मिल गए थे सड़क पे चलते हुए। अच्छा तो अभी आप यहाँ पे देखते हैं कितने छोटे से हैं और यहाँ पे अपनी याद देख सकते हैं छोटी छोटी यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे सेल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे हैं मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि हर चीज़ में भाई सबसे बड़ी बात यह है आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप ज़िंदगी में भाई कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटा है यहाँ पे ये और भाई इतनी सी कम उम्र में भाई यहाँ पे ये मेहनत कर रहा है। तो इसके लिए भी यार एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई को भी सपोर्ट करना। तो भाई मैं तो ऐसे ही कहूँगा तो इनसे आप अच्छे तरीके से जो भी ये सेल कर रहे हैं तो भाई उनसे आप खरीद लिया करो। तो ऐसा गुस्सा हो आप चलते हैं भाई फटाफट यहाँ पे बल्लूपुर की तरफ। थैंक यू। 15 मिनट्स लेटर। और भाई आज की वीडियो में मैंने आपको लगातार यहाँ पे टिप्स आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाउ टू ब्लॉग इन पब्लिक, पब्लिक में आप ब्लॉग कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ अपनी 4th टिप, जो कि मैं भी पहले यूज़ किया करता था और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो 4 टिप्स क्या है। तो भाई वो 4 टिप्स ये है कि आप सबसे पहले अगर आप फ़ोन से ब्लॉग कर रहे हैं तो भाई फ़ोन आप ले सकते हैं, कैमरा से ब्लॉग कर रहे हैं तो भाई कैमरा आप ले सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे प्रीफर करना चाहें भाई वो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद में अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप उससे अच्छे तरीके से ब्लॉग कैसे कर सकते हैं। तो भाई आप मतलब कैमरे को एक ऐसे समझें जैसे कि आपका वो दोस्त है, आपका जो भी मतलब बेस्ट फ्रेंड होगा उसकी आप अच्छे तरीके से कैमरे के ऊपर फ़ोटो लगा सकते हैं। और भाई आप जब भी आप उससे बात करें कैमरे से तो भाई आप मतलब ऐसे समझें कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं, चाहे उसमें आपका बेस्ट हीरो हो सकता है, फेवरेट हीरोइन हो सकती है, हीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो आप अच्छे तरीके से वो भी जब करने लग जाएंगे तो अच्छे तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से मतलब पब्लिक में भी ब्लॉगिंग करने लग जाएंगे। तो भाई सबसे पहले मैं भी ऐसे ही किया करता था। तो भाई यहाँ पे इवनिंग के अभी भाई यहाँ पे 7:30 होने वाले हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। और भाई आज के पूरे ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया है कि पब्लिक में ब्लॉग कैसे करते हैं, कैसे आपको बोलना है, किस प्रकार से आपको कैमरा उठाना है, वो सब कुछ भाई मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में बता ही रहा हूँ। तो जो मैंने आपके साथ में यहाँ पे 4 टिप्स शेयर किए हैं तो आप अगर ये अच्छे तरीके से यूज़ करते हो तो भाई आप अच्छे तरीके से यहाँ पे पब्लिक में ब्लॉग कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की पूरे की पूरी वीडियो में यही था, पूरे के पूरे ब्लॉग में यही था कि भाई आप हाउ टू ब्लॉग इन पब्लिक, पब्लिक में ब्लॉग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप भी मतलब इन छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करके भाई पब्लिक में ब्लॉग कर सकते हैं। तो यही था, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये पूरा का पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस अब मैं आपके लिए डेली बेसिस पे मतलब ऐसी ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा कि भाई पब्लिक में ब्लॉग कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या भाई ये आती है लोग यूट्यूब चैनल बना लेते हैं बट पब्लिक में बोल नहीं पाते हैं। तो इसी चक्कर से भाई अब मैं आपके लिए जो मतलब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो इसी के लिए रहेगी कि भाई पब्लिक में ब्लॉग कैसे करें। तो यही था आज की पूरी वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।